गाय हमारी संस्कृति और हिंदुत्व की धरोहर है। हिंदू संस्कृति में गाय को एक घरेलू पशु नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है, जिसके भीतर समस्त देवी देवता निवास करते हैं। गाय हमारे लिए परम पूजनीय है, परंतु गाय की महत्ता और उनके स्वरूप से आज की मानव जाति अनभिज्ञ है। एक कदम से ही यात्रा शुरू होती है किसी भी चीज की, और हमारी सेवा की भी यात्रा बहुत छोटे कदम से शुरू हुई थी। कथाओं में जाना होता था, गौशालाओं में जाते थे। बहुत लोग गाय सेवा कर रहे हैं गौ माता की, लेकिन कई बार वहाँ देखते गौशाला में कोई गाय पड़ी है, कुछ रोग है उसे, उनसे पूछा जाता कि इसकी ये दशा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ इलाज का भाव है, कोई गाय की कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। तो मन में आया, हम तो ब्रज में रहते हैं, ब्रज में इतनी सारी गौशाला पहले से ही है, हम भी एक गौशाला बना देंगे, कितनी गायों को बचा पाएंगे। इससे अच्छा कुछ ऐसा करें जिससे जितनी गौशालाओं में सेवा हो रही है उन गायों को मदद मिले, जितनी बेसहारा हैं उनको मदद मिले। तो कुछ नई चीज़ गौशाला से हट के शुरू की जाए। तो आज से 9 साल पहले यहाँ एक हॉस्पिटल की शुरुआत हुई, गाय के लिए शुरू किया था। धीरे धीरे अब तो ये पूरा एक वेटनरी हॉस्पिटल है, यहाँ सब पशु आते हैं, विशेषकर गायों की सेवा होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, गौ सेवा धाम की जय, गौ माता की जय। गौ माता के बहुत मतलब सेवा की इच्छा है, गौ सेवा भी तो बहुत अच्छी लगती है। मैं गाय को जो भी घर में, हर घर में एक रोटी गाय के लिए होनी चाहिए। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने की होड़ में गाय की पहचान केवल कचरे में खाना ढूंढने वाले जानवर जैसे हो गई है। गायों की स्थिति को देखकर मन बेचैन हो उठता है। देवताओं की कृपा समाप्त होती जा रही है। गाय हमारे लिए उपभोग की वस्तु नहीं बल्कि पूजने योग्य है। गौ सेवा धाम हॉस्पिटल एक बहुत ही अच्छा दिल लगा के काम कर रहा है, और हमारे यहाँ पे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारी वेटनरी की टीम है या कोई लेबर है या वर्कर है या जो एम्बुलेंस के ड्राइवर है, यानी तब भी कोई कॉल आता है किसी कैटल को रोड एक्सीडेंट में इंजरी हो गई, तो वहाँ से उसको रेस्क्यू करना और यहाँ पे हॉस्पिटल में लाना और उसका ट्रीटमेंट करना या सर्जरी करना, या कई बार फ्रैक्चर के केसेस आते हैं उस पर प्लास्टर कास्ट करना इत्यादि ट्रीटमेंट किए जाते हैं यहाँ पे। कई बार कैटल है पोलोथीन खा लेता है, कि हमने रूमनोटोमी की थी यहाँ पे, यानी पोलोथीन खा रखा था उसने 40 से 45 किलो, और उस गाय का ऑपरेशन करके 40 से 45 किलो पोलोथीन निकाला गया था। दुख तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस टाइम वही बात है कि एज ए डॉक्टर जो हमारा काम होता है, प्राथमिकता होता है उपचार करना या ऑपरेशन से उस कैटल की जान बचाई जा सके, हम वो कार्य करने की कोशिश करते हैं। गौ सेवा ही परम सेवा है। हिंदू संस्कृति में गौ सेवा से जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं और सुखी समृद्धशाली जीवन की प्राप्ति होती है। अगर कलयुग में अपने जीवन को यापन करने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए अगर रखना चाहता है हर एक मनुष्य प्राणी, तो वह गौ माता के ही सानिध्य में रहे और गौ माता की ही सेवा करे। अगर आपने किसी को पैसे दिए तो पैसे वापस मिलने की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर वही पैसा किसी एक अच्छी चीज़ में लगाया जाए, और अगर वही अच्छी चीज़ अगर हम गौ सेवा को लेके देखा जाए, तो ये एक बहुत बहुत अच्छा मिशन होगा हमारे लिए। रुझान होना चाहिए, गौ सेवा एक बहुत अच्छी सेवा है, और गौ सेवा है कि अगर जगह है हमारे पास तो एक गाय पालनी चाहिए अपने घर में। गौ सेवा सभी सेवाओं में सर्वोत्तम सेवा है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है। गाय को जननी की उपाधि भी दी गई है,
गाय है तो ईश्वर की कृपा है। यदि हम कहें कि हमें गाय को बचाना है जैसे अपने अस्तित्व को बचाना है, ये हमारा कर्तव्य नहीं बल्कि धर्म है। तो युवाओं को मेरा यही निवेदन है, ज़्यादा मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप भी पूरा 24 घंटे सेवा करो, शायद मेरी ये बात कोई माने भी ना, लेकिन इतना तो आप कर सकते हैं, आप 6 दिन अपने काम करते हैं, पढ़ाई करते, जॉब करते, एक दिन वीक में एक दिन आप किसी आसपास की कोई भी गौशाला हो वहाँ जाइए, अपने हाथ से जीवों की सेवा करके देखिए, आपको खुशी मिलेगी।